दोस्तों, मैं हर्षा गुंडला बेलजू टीवी की तरफ से फिर एक बार आपके सामने। हर शायर हमेशा अपनी शायरी में जुल्फों वर्ड का इस्तेमाल करता है। शायर की कलम ऑलवेज जुल्फों में ही अटक जाती है, तो कभी कभी ये शायर सुहानी रात कह के या फिर काली घटा कह के या फिर ठंडी हवा कह के जुल्फों को अपनी कलम से अच्छे अच्छे शब्दों में हमारे सामने पेश करता है। तो जब ये बात निकलती है तो मैं जिक्र करना चाहूंगी कि राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माया गया दो रास्ते फिल्म का गाना, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें देख कर जी रहे इस भी। तो दोस्तों, इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि हर एक प्रेमी अपनी माशुका के बालों में उंगलियां घुमाना चाहता है, बालों से खेलना चाहता है, अपनी माशुका के बालों को संवारना चाहता है। जब इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हो तो अच्छे बाल किस प्रकार बन सकते हैं, वो जानना जरूरी है कि नहीं? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अपने बालों को तंदुरुस्त, घने, काले और मजबूत यदि आप रखना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपने आहार को किस प्रकार लेना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आप अपने आहार में बहुत सारा फलों का आहार करें, जिसके द्वारा आपके बाल बहुत अच्छे बन सकते हैं। और मैं भी फलों का आहार ज्यादा से ज्यादा करती हूँ। फलों के अलावा सिर्फ 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अपने आहार में लेंगे तो आपके बाल भी औरों की तरह या मेरी तरह बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है लहसुन, दूसरी चीज है सीताफल, तीसरी चीज है आम, उसके बाद हम कहेंगे मूली और अंत में काकड़ी। काकड़ी का इस्तेमाल तो हम हमेशा करते आए हैं, कभी आंखों पे, कभी चेहरे पे, ठंडक के लिए, है कि नहीं? तो दोस्तों, इसी प्रकार अपने बालों को काले, घने, लंबे और मजबूत आप बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रयोग है, जो प्रयोग आप फॉलो करेंगे तो आपके बाल कभी कम नहीं होंगे और पतले से जाड़े और कमजोर से मजबूत भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं और अलग अलग प्रयोग कहे भी हैं, जैसे कि कांदा की पेस्ट लगाना, कैप्सिकम की पेस्ट लगाना। और एक उपाय ये है कि आपको कैस्टर ऑयल के साथ जीरा मिला के बालों में डालेंगे तो उससे भी आपके बाल बहुत मजबूत
हो सकते हैं। अभी एक बात ये रह जाती है कि लंबे बालों को संवारे कैसे। एक स्टाइल जो मैंने अभी ली हुई है वो आपको फिर से मैं दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं, इस स्टाइल को मैंने कोई भी रबर बैंड यूज नहीं किया है और इतनी टॉप पर फिर भी मैं लेकर गई हूं। आपने देखा होगा कि रेखा जी हमेशा जो हीरोइन है, जो हमेशा अपने बालों का जूड़ा बहुत ऊंचाई पर लेती है और उसके ऊपर बहुत सुंदर गजरे भी लगाती है, जिससे उसके चेहरे की रेखाएं और भी बेहतरीन रेखांकित तो हो जाती है कि नहीं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि लंबे बालों की दो हेयर स्टाइल, दो जूड़े किस प्रकार हम बना सकते हैं। वैसे हम देखें तो लंबे बालों के लिए पोनी लोग लेते हैं या फिर चोटी बना लेते हैं, लेकिन ये मामूली हेयर स्टाइल है जिसे हम रोजिंदा आने जाने में बनाते हैं। तो ये जो जूड़ा मैंने बनाया है उसे खोल के मैं आपके सामने पेश करूंगी कि इसे वापस बगैर रबर बैंड के कैसे बनाया जाए। तो देखिए, मैं पहले अपने इन फूलों को निकाल दूंगी ताकि आप अच्छी तरह से इसको देख सके। तो दोस्तों, लंबे बालों के लिए बहुत सारे जो प्रयोग है जिसे आप करते रहेंगे और मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार के वीडियोस को बार बार देखिए, ताकि क्या होता है कि बालों की परवरिश में कोई भी ब्रेक नहीं आने चाहिए, है कि नहीं। तो अभी हम आपके सामने हमारे लंबे बालों को संवारेंगे, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इन बालों को किस प्रकार अच्छी स्टाइल में जूड़ा बनाकर बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने बालों को थोड़ा सा ऊपर की, आप देख लीजिए इसमें रबर बैंड है बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इन बालों को संवार के रखा है थोड़ा सा, ताकि ज्यादा वक्त में आपका ना लूं। बालों को जितना हो सके ऊपर की तरफ लीजिए, कोम्ब जितना हो सके उतना कम यूज कीजिए। ज्यादा कोम्ब इस्तेमाल करना हानिकारक तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जरूरी नहीं है। बालों की उलझने भी आप सुलझाना चाहते हो तो सबसे पहले बालों की उलझने भी हाथों से ही सुलझाइए। अभी मैं बालों को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कोम्ब कर लेती हूँ ताकि फिनिशिंग अच्छा दिखे। अभी देखिए, इन बालों को मैं रोल करती हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं अच्छे से उन्हें ऊपर तक बिठा सकूं। तो ये रोल हुए बाल एक मिनट में थोड़ा सा स्प्रेड करके लीजिए जूड़ा बनाने के लिए, ताकि वो बैठा रहे, ज्यादा ऊंचाई ना पकड़े। तो इस प्रकार यह जूड़ा बगैर रबर बैंड के दो चार पलों में, कह दीजिए कि एक मिनट में बन गया। इसके ऊपर हम डालेंगे ये वाली यूपिन जैसे काटे, जो जूड़े के लिए ही खास तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इससे आपका जूड़ा
बहुत टाइट बैठता है, बिल्कुल छूटने की संभावना नहीं है। देख लीजिए, मैं अपने हाथ छोड़ दूंगी, फिर भी ये जूड़ा गिरता है या नहीं आप देख पाएंगे। तो कहना चाहती हूँ, कभी कभी ये जूड़े बड़े होने के बावजूद वजन भी बहुत होता है तो सर में दर्द होने लगते हैं, और बहुत सारी पीने जो हम लोग यूज करते हैं उससे तो कुछ न कुछ बाल खींचे जाते हैं और उससे सर में दर्द बहुत भारी होता है। देखिए मेरे हाथ नीचे, नो रबर बैंड, फिर भी ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। और इसके ऊपर डाल दीजिए ये छोटा सा फ्लावर। अब देखिए मजा कैसी लगी आपको। और इसके ऊपर या फिर आप रेखा जी की तरह अच्छी तरह से गजरे लगा दीजिए, फिर देखिए आपकी ब्यूटी कैसे निखरती है। और एक हेयर स्टाइल मेरे पास जो है उसमें मैं रबर बैंड इस्तेमाल करूंगी, जो कि बहुत आसान इसी प्रकार छोटी सी हेयर स्टाइल है, जिसके लिए हम दो चार पल सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और उस हेयर स्टाइल में आपको रबर बैंड काफी नीचे की तरफ लगाना है, ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं। आप ऊपर लेंगे तो वो जूड़ा बहुत ऊपर हो जाता है, जिसके लिए मैं एक रबर बैंड डबल रोल करके डाल देती हूँ। देखिए ये हेयर स्टाइल भी आपको बहुत पसंद आएगी, और वो भी दो चार पलों में ही बन जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने बालों को थोड़ा बहुत कॉम कर लीजिए, उसे नीचे की तरफ लीजिए ताकि जूड़ा ऊपर की तरफ हम ले सके। इस प्रकार जूड़े के अंदर अभी हम डालेंगे रबर बैंड। इस रबर बैंड को थोड़ा सा नीचे की तरफ डाल देते हैं ताकि लंबे बालों का जूड़ा ऊपर तक हम ले सके। ये जूड़ा जो है इंग्लिश का 8 नंबर का फिगर जो है उस प्रकार है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पानी पीना ताकि आपके साथ और गुफ्तगु कर सकूं। तो दोस्तों ये हेयर स्टाइल के लिए, इस प्रकार के जूड़े के लिए मैं हल्का सा अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छा लगे। अब देखिए ये बाल मैंने संवार लिए, थोड़ा सा खींच लेती हूँ ताकि वो टाइट लगे। इसके बाद इन बालों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने लिया, ऊपर की तरफ लेके हल्का सा ट्विस्ट किया ताकि मैं सारे बालों को समेट सकूं। उसके बाद इस प्रकार 8 की तरह मैंने इसको ले लिया। अभी जो बचे हुए बाल है उसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, बाद में ये इसके नीचे फोल्ड कर लीजिए। और फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ से आप जो चाहो, ये रबर बैंड ना दिखे उसके लिए मैंने यहाँ बालों को स्प्रेड कर दिया। और मजबूती के लिए ऐसी हुक जैसी दो पिन दोनों तरफ से डाल दीजिए, वो खूबसूरत भी लगती है क्योंकि मैचिंग है और जूड़ा भी रुक कर रहेगा आपके सर पे। इस प्रकार और ऊपर की तरफ हम दो चार ऐसे
चिपले डाल देंगे ताकि उसे और भी सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, ये हेयर स्टाइल को भी मैंने एक या दो मिनट में बना डाला है। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, ये देखिए हेयर स्टाइल कैसी लगी आपको। यहाँ भी यदि हम एक गुलाबी फूल डाल देते हैं मैचिंग वाला, तो वो क्या खूबसूरत नहीं लगेगा? जरूर लगेगा, है कि नहीं? देख लीजिए मेरी यह हेयर स्टाइल को आगे पीछे, देखा? ये हेयर स्टाइल मैंने कभी भी वीडियो में नहीं देखी। तो दोस्तों, मैं सोचती हूँ आपको मेरा ये हेयर स्टाइल, ये जो भी आइडियाज, जो भी टिप्स मैंने लंबे बालों के लिए दी, वो आपको बहुत पसंद आएगी और उपयोगी भी पड़ेगी। पर इन सभी चीजों के अलावा मेरे पास एक और बात है जो किसी ने भी आज तक वीडियो में नहीं बताई। यदि आप अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं, आपके सीन, आपकी जो स्किन है उसे बहुत ग्लो करना चाहते हैं और बालों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो आपको करना है सूर्य देव की पूजा। यह बात किसी ने भी किसी भी वीडियो में नहीं बताई जो मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, ये सूर्य देव की पूजा आप पूछोगे कि किस प्रकार की जाए, बहुत ही छोटा सा 3-4 शब्दों का एक मंत्र है, ओम ग्रीनी लिख लेंगे आप तो बहुत अच्छा पड़ेगा आपको। ओम ग्रीनी, ग्रीनी का स्पेलिंग लिख लीजिए, GHRINR, ओम ग्रीनी, GHRINR, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ओम ग्रीनी सूर्याय नमः। इसका मतलब ये होगा कि इंग्लिश में आई बाउ टू यू ओ ग्लोइंग गॉड सन, आई बाउ टू यू ओ ग्लोइंग गॉड सन। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि एक शायरी, एक प्रेमी ने अपनी माशुका से इस प्रकार की कि आप उस शायरी को दिमाग में से हटा नहीं पाओगे। प्रेमी कहता है अपनी माशुका को, खुदकुशी करने से मुझे कोई परहेज नहीं। याद रख लेना, खुदकुशी करने से मुझे कोई परहेज नहीं, बस शर्त इतनी है कि फंदा तेरी जुल्फों का हो। खुदकुशी करने से मुझे कोई परहेज नहीं, बस शर्त इतनी है कि फंदा तेरी जुल्फों का हो। तो दोस्तों, इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आपको करना है बेलजो टीवी को डाउनलोड अपने मोबाइल पे। सिर्फ गूगल प्ले स्टोर में जाना है और बेलजो टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और यदि कभी कभी इंटरनेट की वजह से आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पाती, तो गूगल की साइट पर जाके आप बेलजो टीवी टाइप कीजिए और साइट में रखे हुए ऐसे ही उपयोगी अच्छे अच्छे वीडियोस को
जो कीजिए।